हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है रिलेटेड टू प्रीकास्ट कंक्रीट है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रीकास्ट के कितने टाइप्स होते हैं, प्रीकास्ट के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हमने आज प्रीकास्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग उस टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब हम लोग प्रीकास्ट की बात करते हैं तो प्रीकास्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रीकास्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि व्हाट इज प्रीकास्ट, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द इट्स एडवांटेज एंड ओवर कॉस्ट साइड कॉस्ट कंक्रीट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीकास्ट एलिमेंट कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके, एंड हाउ इट इज मैन्युफैक्चर, हाउ टू बी मैन्युफैक्चर, कैसे में बनाते हैं हम लोग, हाउ इट इज प्लेस्ड इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कैसे प्लेस करके उसके कनेक्शन वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। डिजाइन पैरामीटर कैसे, क्या क्या उसके पैरामीटर से डिजाइन करने के लिए, व्हाट इज प्रीस्ट्रेसिंग एंड व्हाट टाइप्स ऑफ प्रीकास्ट। ये क्वेश्चंस एक एक करके सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आने वाले होंगे और इन सारे क्वेश्चंस का एक सोल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है इसका सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंक्रीट एलिमेंट कॉस्ट एंड यूज कॉस्ट एंड क्यूर्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देन ट्रांसपोर्ट टू इट्स कंस्ट्रक्शन साइट। आपको पहले प्लांट पे बना लेना है, प्लांट पे बनाने के बाद जो इंपोर्ट करना है दैट इज कॉल्ड अर्ड प्रीकास्ट। प्रीकास्ट मींस पहले से बना हुआ। ओके, ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स आर लिफ्टेड इनटू अ प्लेस एंड असेंबल इनटू स्ट्रक्चर असेंबलीज। मींस हम लोग पहले से प्रीकास्ट की कंपोनेंट्स बना लिए हमने, जैसे वॉल है, स्लैब है, कॉलम है, बीम है, बना लिए। उसके बाद क्रेन एंड ट्रक के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करके उसको साइट ले जाते हैं और साइट ले जाके डायरेक्ट असेंबल कर देते हैं, असेंबल मींस कनेक्ट कर देते हैं इच अदर्स। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है उनके, क्योंकि हम लोग वैसे भी तो साइट पे हम लोग काम करके बनाते हैं, तो देखिए इसके एडवांटेज ये है कि वेरी रैपिड स्पीड ऑफ इरेक्शन। इरेक्शन मींस असाइन करना बीम एंड कॉलम्स को, तो बहुत ही जल्दी जल्दी से बीम्स एंड कॉलम्स को हम लोग असाइन कर लेते हैं। गुड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्यों ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज प्रॉपरली क्योर एंड क्लोजली मॉनिटर्ड बाय प्लांट एम्प्लॉयज। मींस जब इसको हम लोग बनाते हैं तो इसको प्लांट के एम्प्लॉय बनाते हैं और वो प्रॉपर क्योरिंग करते हैं, क्योंकि देखिए साइट पे कभी पानी की कमी हो गई, क्या हो गया, बट फैक्ट्री में ऐसा नहीं रहता है। उसके बाद देखते हैं उसमें कवर कितना है, उसमें एडमिक्सचर्स यूज हुआ कि, ये सारी चीजें प्रॉपर मोनिटाइज करते हैं। इसलिए मैं भी प्रीफर करूंगा कि गुड क्वालिटी कंट्रोल होता है और हमें यूज करना चाहिए। Pre-stressing is easily done, which can reduce the size and the number of structural members. ये जैसे कि हम लोग एक्स्ट्रा बीम डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा स्लैब डाल रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग प्रॉपर पहले लैब में ही चेक कर लिए कि क्या इतने के लिए इतना साइज, जैसे कि मान लीजिए 4 मीटर का स्पैन हमको क्या इसके लिए इनफ है क्या स्लैब के लिए। अब अगर लाइक अगर आप साइड पर डायरेक्ट बना रहे हो, मतलब RCC का काम कर रहे हो, तो आपको लगेगा हो सकता है बेंडिंग आ जाए, एक्स्ट्रा बीम्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर चेक करके तब लेके आ रहे हो। ठीक है, कंट्रोल कॉस्टिंग कंडीशंस एंड हाईस्ट क्वालिटी फॉर्म्स अलाउ फॉर ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द सरफेस फिनिश। ओके, सरफेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो हम लोग फोमवर्क यूज करते हैं दैट फोमवर्क इज एल्युमिनियम फोमवर्क होता है, तो वो फोमवर्क की साइनिंग बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू वुड एंड स्टील। ड्यूरेबल परमानेंट स्टील फॉर्म्स आर रीयूज सेवरल टाइम्स। एल्यूमिनियम और जो हमारी मतलब फॉर्मवर्क्स होते हैं उनको हम लोग एक बार तो यूज कर लिया, क्योंकि वो वहीं पर एक साथ रखे हुए हैं ना, तो बार बार उनको यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होते जल्दी हो, तो आपका वो मतलब इसका जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्ग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब यूज फॉर फ्लोर एंड रूफ डेक। इसको फ्लोर के लिए यूज कर सकते हैं और रूफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये कि हॉलो होता है, तो हॉलो होने की वजह से इसके इसका जो डेड वेट है वो डेड लोड जो है वो कम होता है। 16 टाइप्स के स्लैब होते हैं, जल्दी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि टाइप्स ऑफ स्लैब्स कौन कौन से होते हैं और उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। हॉलो कोर स्लैब्स ऑफर द आइडियल सक्सेस बाय रिड्यूसिंग डेड वेट। बीम्स एंड गेडर्स, ये देखिए यहाँ पे गेडर्स होते हैं और ये इस तरीके से बीम्स आके यहाँ पे साइन होते हैं, डायरेक्ट कॉलम पे लोड ना जाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेडर लगाते हैं, क्योंकि बीम्स को यहाँ पे ड्रिल करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं डायरेक्ट कॉलम अफेक्ट ना करें, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्लैब। कॉलम्स एंड वॉल पैनल्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बीम एंड स्लैब एलिमेंट
since these members carry axial loads with little bending force, they may be conventionally reinforced without pre-stressing. Wall जो होती है wall को pre-stress करने मतलब stress देने की जरूरत नहीं, wall अगर normal भी है तो उसको हम लोग use कर सकते हैं। जैसे stair है, अब stair में देखिए lift लगा दिया और इस तरीके से, अब stair का फायदा क्या है इस तरह के stairs का? फायदा ये है कि कभी आप इस घर को break कर रहे, तोड़ रहे हो, तो आप इस stair को direct यहाँ से उठाओ और ले जाके दूसरी जगह पर place कर दो। Now, how it manufacturing बनाते कैसे है? Precast elements are manufactured in the casting bed. एक बड़ा सा बेड ले लेते हैं, बेड अब बेड मतलब घर वाला बेड नहीं है, बेड मींस एक बड़ा सा टेबल ले लेते हैं, टेबल पे उनको 800 फीट और मोर देन इन लेंथ एक साथ कॉस्टिंग कर लेते हैं। एक साथ कॉस्टिंग करने के बाद जितना यूज में आए मतलब जितने की आपको साइज चाहिए कट करके दे देते हैं। हाई स्ट्रेंथ स्टील स्टील स्टैंडर्ड्स आर स्ट्रंग द लेंथ ऑफ द बेड एंड टेंशन, ठीक है, उसमें अच्छे ग्रेड का स्टील यूज करते हैं और लाइक जैसे कि एफ 500 इस करके ग्रेड यूज करते हैं और ग्रेड यूज करके पूरे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। कन्वेंशनल रेनफोर्सिंग वेल्ड प्लेट ब्लॉक आउट्स लिफ्टिंग लूप्स एंड अदर एम्बेडेड आइटम्स आर एडेड एज नीडेड, अगर इन सब की जरूरत, जैसे कभी हमने पीछे दिखाया आपको लिफ्टिंग लूप्स लगाते हैं स्टेयर्स केस में ना, तो इस तरीके का आपको अगर एलिमेंट की जरूरत है तो उसको हम लोग डायरेक्ट उसी टाइम पे असाइन कर देते हैं जब हम लोग कॉस्टिंग करते रहते हैं। कंक्रीट इज प्योर्ड इन टू मोल्ड और फॉर्म्स और कॉस्टिंग बेड्स, ठीक है, इसको क्या करते हैं टाइम पे प्योर करते रहते हैं, मोल्ड में डालते हैं और फॉर्म्स करते हैं और कॉस्टिंग बेड में अच्छे से बनाते हैं। ये देखिए आपको, ये देखिए इस तरह पूरा बेड है, इस पे बना हुआ है, ये भी देखिए पूरा बेड है, देखिए मैंने बोला टेबल जैसा। वंस द कंक्रीट हैज क्योर्ड टू सफिशियंट स्ट्रेंथ द कॉस्टिंग कॉस्टिंग्स आर कट इन टू सेक्शन एंड डिजायर्ड से, एक बार बना लिया उसका देखिए स्टेयर की कटिंग करनी है, देखिए इस तरीके से ले लिया और स्टेयर के इसका कटिंग बना दिया और इस तरह के केस ले लिया, देखिए यहाँ से कट कर रहे हैं, इस तरह इसका हम लोग कट कर सकते हैं। और ये देखिए क्यों सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन का भी कोई लफड़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो कंक्रीट गिरा रहे हैं वो कंक्रीट बहुत ही कम इतना लेंथ से गिरा रहे थे जो कि बहुत कम है, आराम से इसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि देखिए स्टील के ऊपर हमको खड़े नहीं होना पड़ता, तो उससे क्या होता है उसके चेयर्स वगैरह इधर उधर नहीं जाते हैं, जो ब्लॉक ब्लॉक्स लगे रहते हैं इधर उधर नहीं जाते हैं, प्रॉपर अच्छे से इसकी हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर अच्छे से इसको मिला के मटेरियल को लगा देते हैं और क्यूरिंग करते हैं और देखिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कितने टाइम बाद इसमें पानी डालना है एंड ऑल। ट्रांसपोर्टेशन, इंडिविजुअल सेक्शंस आर लिफ्टेड फ्रॉम द कॉस्टिंग बेड्स एंड स्टॉक्स टू शिपिंग द टू द कंस्ट्रक्शन साइट। प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स आर शिप्ड टू द कंस्ट्रक्शन साइट बाय ट्रक और इरेक्टेड ऑन द साइट बाय क्रेन, जब अगर छोटा मतलब कि ज्यादा कम वेट का है तो हम लोग ट्रक को प्रीफर करते हैं और उसके बाद क्रेन से लगा देते हैं, लेकिन अगर बड़ा मेंबर है तो हम लोग डायरेक्ट क्रेन से इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाउ इट इज प्लेस्ड इन द स्ट्रक्चर्स और कनेक्शन इसको बोलते हैं, हम लोग कनेक्शन देखिए आप साफ साफ आपको इसे दिख रहा है, क्या करते हैं कि कॉलम में आप प्लेट डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से नट बोल्ट लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको देखिए दूसरे को टाइट किया, फिर यहाँ पे ग्राउटिंग कर देते हैं। ग्राउटिंग मतलब 1823 का मोटर लगा के अच्छे से ग्राउटिंग कर दिया, जिससे फायर से और फायर के साथ कोरोजन इन दोनों से आपका स्ट्रक्चर बच सके, क्योंकि कोरोजन होगा तो स्ट्रक्चर कम वीक होने लगेगा, कोरोजन वाला यहाँ स्टार्ट होगा पूरे हो सकता है, तो इस बेटर की हम ग्राउटिंग कर दें और इससे आग लगी तो मेल्ट ना हो नट बोल्ट, तो उसके लिए भी हम लोग ग्राउटिंग करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे यही हमको दिया गया, मेटल बेयरिंग प्लेट एम्बेडेड बोल्टर कॉस्ट इनटू द कॉलम्स एंड आफ्टर मैकेनिकली जॉइंट द कनेक्शन ग्राउटेड वही ग्राउटेड करके हम लोग उसको कर दिया, ठीक है। बीम टू कॉलम्स, बीम्स आर सेट ऑन द बेयरिंग पैड्स ऑन द कॉलम corvals and steel angles are welded to the metal plates cast into the beams and columns are and the joint is grouted, इस तरीके से देखिए लोग लगाते हैं और इसको ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके प्रॉपर असाइन करके इधर से नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं, तो इस कनेक्शन आपको सबसे बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहता है इसका। स्लैब टू बीम्स, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे बीम्स है और यहाँ पे स्लैब है, इसके बाद इसको पूरा ग्राउटिंग कर देंगे, पूरा पूरा मेंबर फिक्स हो जाएगा। स्टील आर रेनफोर्सिंग बार आर इंसर्टेड, रेनफोर्स बार डालते हैं इनटू द स्लैब की वे टू स्पैन द जॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें दो टाइप के होता है, एक प्री टेंशन है पोस्ट टेंशन, अगर पोस्ट टेंशन है तो बार डाल के
हाइड्रोलिक जैक लगा के उसको टेंशन भी देना पड़ेगा, और अगर छोटा मेंबर है तो डायरेक्ट प्रीकास्ट लगा सकते हैं, मतलब प्रीकास्ट मीन्स बना हुआ आया है और प्री टेंशन बना हुआ आया है और उसको सिर्फ असाइन करना है, और पोस्ट टेंशन मीन्स हमको साइट पे ही उसको स्टील लगा के असाइन करना है। ये देखिए कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं इसके, मैं पीपीटी आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा तो आप वहां से लिख सकते हैं। तो थिकनेस कितनी होती है, स्पैन अप टू 25 मीटर और 25 फीट तक होता है। स्टैंडर्ड पैनल विड्थ जो है वो 4 फीट होना चाहिए। FS4, FS4 मतलब होता है F मीन्स फ्लैट स्लैब और 4 मीन्स होता है फोर्थ थिकनेस है उसकी, सिक्स मतलब फोर्थ थिकनेस की उसकी थिकनेस होती है। जैसे सिक्स हम लोग RCC लेते हैं तो इसका मिनिमम 4 लेते हैं। हॉलो जो रहता है उसका जो थिकनेस रहता है 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके के अलग अलग साइजेस हैं, जैसे कि इसका 4, 6, 8 है, इसका 4, 6, 8, 10, 12। इसका स्पैन 40 मीटर तक होता है, 40 फीट तक होता है। 40 फीट क्यों, क्योंकि ये हॉलो है तो हॉलो मेंबर ज्यादा बड़ा बना सकते हो क्योंकि उसमें लोड ज्यादा नहीं रहता और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बट इसको मींस जिसमें टेंशन लगा हुआ है प्री टेंशंस, इनको हम लोग ज्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने में हैवी हो जाएगा तो हमको प्रॉब्लम जाएगी। रेक्टेंगुलर बीम का ये साइज होता है 12 और 16 इंचेस उनकी विड्थ होती है। स्पैन 50 फीट तक हो सकता है और टिपिकल डेजिग्नेशन उसको लिखा जाता है, मतलब आप साइट पे देखेंगे तो आपको जो प्लान होगा उस प्लान में लिखा रहेगा 16 RV 24, मतलब 16 विड्थ इन इंचेस एंड 24 डेप्थ इन इंचेस। L and IT इन्वेंटेड टी, मतलब टी सेक्शंस एंड एल सेक्शन का जो विड्थ रहता है 12 इंचेस रहता है। डेप्थ अलग अलग साइजेस यहाँ पे आपको दिए हुए 12, 20, 28, 36, 44, 52 एंड 60। डबल टी को बोलते हैं, ये देखिए इस तरीके का डबल टी होता है, और अगर रियल में देखो तो ये आपका डबल टी। इसका स्पैन जो है 100 फीट तक हो सकता है, इस तरीके से इसके टिपिकल डेप्थ होते हैं। और ये इसका डेप्थ कितना है, वो 12 इंचेस, 18 इंचेस, 24 इंचेस एंड 32 इंचेस। इसको लिखेंगे 8DT 24+2, 8 विड्थ इन 2 इंच टॉपिंग, 2 इंच की टॉपिंग, ठीक है, ये है टॉपिंग। चलिए व्हाट इज प्री स्ट्रेसिंग इन कंक्रीट, प्री स्ट्रेसिंग होता क्या है, स्ट्रेस मीन्स व्हाट, आपके दिमाग में क्या आता है। ऑन साइट कास्टेड कंक्रीट सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस व्हेन लोड इज अप्लाइड, ठीक है, जब हम लोड लगाते हैं कहाँ पे, साइट पे, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्री स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि हम लोग सॉरी जब हम लोग लोड अपने फैक्ट्री में लगा के वहां पे असाइन करते हैं तो प्री स्ट्रेस मेंबर हो जाता है, और जब हम लोग वहां पे ले जाके स्टील लगाते हैं तो क्या हो जाता है, पोस्ट स्ट्रेस मेंबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हाइड्रोलिक जैक लेंगे, किस तरीके से इसमें अपना टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्री स्ट्रेस इज द इंट्रोड्यूसिंग द कंप्रेसिव फोर्स टू द कंक्रीट इन काउंटर टू द स्ट्रेसेस दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द अप्लाइड लोड। देर आर टू मेथड्स इंट्रोड्यूसिंग प्री स्ट्रेसिंग टू द कंक्रीट, नेमली प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। जैसे मैंने बोला कि प्री टेंशन मतलब पहले से टेंशन दे दिया और पोस्ट टेंशन मतलब साइड पर दिया। टू अचीव थ्रू स्टील केबल्स, दैट केबल्स को लोग टेंडन बोलते हैं, तो टेंडन के थ्रू हम लोग इसमें टेंशन प्रोवाइड करते हैं। द एम ऑफ टू यूज द प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट इन टू द इंक्रीजिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाई इंट्रोड्यूसिंग द इंटरनल कंप्रेसिव स्ट्रेस इनकाउंटर्ड इन द पार्ट टेंसाइल स्ट्रेस कॉज बाई दीज लोड्स ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। मीन्स इससे हम लोग प्री स्ट्रेस से हम लोग क्या करते हैं, हमको जो काम था, हमारा काम था कंप्रेसिव स्ट्रेस देना और टेंसाइल स्ट्रेंथ देना, वो हम लोग प्रॉपर दे के और प्रॉपर अपने मेंबर्स को असाइन कर देते हैं। इस तरीके के टेंडन्स होते हैं, देखिए यहाँ पे टेंडन्स दिया हुआ है, टेंडन को इस तरीके से लगाएंगे, ये जैक होता है, जैक से हम लोग टेंशन प्रोवाइड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है जैक, तो इसे हम लोग जितना हमको टेंडन्स चाहिए उतना टेंडन्स हम लोग प्रॉपर प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए डिफरेंस क्या होता है, मतलब प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन में, इन दिस मेथड द कंक्रीट इज स्ट्रेस विद टेंडन्स बिफोर इट इज यूजिंग द पोजिशन, मतलब पहले से इसमें स्ट्रेस दे दिया जब पोजिशन, मतलब कि जब हम लोग साइड पे ले जा रहे थे उससे पहले, और यहाँ पे साइड्स पे ले जाने के बाद टेंशन देते हैं। ये जो होता है ये छोटे मेंबर्स होते हैं, दिस मेथड इज डेवलप ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील टेंडन्स, मतलब कि हमको प्रॉपर बॉन्डिंग मिल जाए कंक्रीट और स्टील में, इसके लिए हम लोग टेंशन्स बनाते हैं। दिस मेथड इज ड्यू टू लोड बेयरिंग, मीन्स अगर लोड वहाँ पर कितना है हमें नहीं पता है, प्रॉपर वहीं पर जाके साइन करें उसके लिए हम लोग पोस्ट टेंशन करते हैं। प्री टेंशनिंग इज प्रीफर्ड वेन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इज स्मॉल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट,
और पोस्ट टेंशन तब प्रीफर करते हैं जब बहुत है बड़ा है मेंबर है जिसको ट्रांसपोर्ट करना प्रॉब्लम जाती है, तो जैसे कि अपना इनका मेट्रो का कॉलम्स देखेंगे, सब जो साइज बड़े होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जैसे कि सिटी में से ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको प्रॉब्लम जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि हमारे पास पोस्ट टेंशन का ऑप्शन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, यहाँ पे हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हमें अच्छा लगेगा, और प्लस आप मुझे बताइए दूसरा टॉपिक हम लोग कौन सा कवर करते हैं, कि ये जैक होते हैं कुछ इस तरीके से जैक हम लगा सकते हैं जैक लगा के हम लोग प्रॉपर ये देखिए स्प्रिंग्स होती है जिससे हम लोग पूरा टेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर हमने यहाँ तक वीडियो को देखा है प्रॉपर तो थैंक यू सो मच, एंड साथ ही साथ यार लाइक कर दो जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा वीडियो लेके आ सके और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो ला सके, जैसा कि हम लोग रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं और आप लोग शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हो, इसके थ्रू हम लोग डेली बना रहे हैं। थैंक यू।